बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारायणपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय का मामला उठाया है और उस पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि नारायणपुर जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़खानी करने का मामला सामने आने के बाद जिले के कलेक्टर ने जांच कमेटी बनाने की बात कही थी। वहीं एसपी ने भी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने प्रशासनिक अमले और विष्णुदेव सरकार पर लगाया आरोप है कि इस तरह के कृत्य सरकार के संरक्षण में किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक ने भाजपा शासन में हुई प्रदेश की विभिन्न घटनाओं को बताते हुए भाजपा की सरकार को शोषण करने वाला बताया है। तो ये मोदी सरकार और वहाँ के जिला अध्यक्ष भी थे, हम सभी ने एक साथ वहाँ जाके बच्चियों के साथ चर्चा किया। बच्चियों ने सब कुछ बताया और बताया कि उनके साथ कैसे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उनका शोषण हो रहा था और उसमें एक हेडमास्टर थे और दो टीचर थे। और उन्होंने एक चीज़ मैं वहाँ पे बताना आपको मिस कर गई प्रेस वार्ता में, उसमें ये था कि उन टीचरों ने माफ़ी मननामा भी बनाया था। माफीनामा में ये था कि अभी तक हमने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया वो अब से नहीं करेंगे, ये वहीं से साबित हो जाता है उनका जो कार्य किए हैं। और उसके बाद बच्चों ने महिला बाल विकास के संज्ञान में लाया था और महिला बाल विकास का एक टीम बना था जो आज तक जांच के लिए वहाँ नहीं गई। हमने एसपी से बात किया, एसपी ने कहा कि मैं शाम को तुरंत उस गाँव में जाऊँगा और कल शाम तक आपको कार्रवाई करके आपके हाथ में दूंगा। तो ये मोदी सरकार कहते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि विष्णुदेव साय के सरकार अभी लगभग 3 महीने हुए हैं, ठीक से हुए भी नहीं है। उसमें इतने बच्चियों का रेप, बलात्कार, हत्या, चोरी, ये सब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी कानून पे कोई भी तरह से लगाम नहीं है।